नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडी व्हील्स के शोरूम की। और जेडी व्हील्स का जो शोरूम है हाल फिलहाल में ही जम्मू में ओपन हुआ है और यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज के अलॉय व्हील्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट टायर्स के वैरायटीज भी मिल जाएंगी अलग अलग कंपनी की तरफ से। ये कुछ आप इनका जो है शोरूम देख सकते हो यहाँ पे। बाकी शोरूम की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लोकेशन से रिलेटेड और क्या क्या इनके पास अलॉय व्हील्स की वैरायटीज है अंदर, वो सब चीजें आपको वीडियो में आगे चल के देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चाहे जेडी व्हील्स के ऑनर के साथ हम मिलते हैं, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं से कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जेडी व्हील्स के शोरूम के अंदर आ चुके हैं। तो ये कुछ शोरूम का जो है लेआउट देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज के टायर्स यहाँ मिल जाएंगे डिफरेंट कंपनी की तरफ से, जैसे जेके टायर, अपोलो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भैया से, इनके ऑनर से कलेक्ट करेंगे। तो बाकी ये कुछ शोरूम है इसका जो इंटीरियर से आप लुक देख सकते हो। बाकी सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ जेडी व्हील्स के ऑनर के साथ, जिनका नाम है अंकित। अंकित, क्या हाल है? और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। और अब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम अंकित से ही कलेक्ट करेंगे। और अंकित, सबसे पहले ये बताओ यार, शोरूम कब ओपन करा आपने? सर, शोरूम हमने ओपन किया 1 मार्च को, तो लेटेस्ट ही है। तो बाकी अब कौन कौन सी वैरायटीज की, किस किस तरह के अलॉय व्हील्स के आपके पास डिजाइन? आपको जो साइज होगा वैरायटी वो 12 इंच से लेके 20 इंच तक अवेलेबल है। मतलब मेरे को अलॉय व्हील्स के इतना नॉलेज नहीं है, तो बट ये सारी रेंज आ जाती है, पल्टो से लेके बढ़िया कार तक दौड़ जाओगे तो हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें हम? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये 16 इंच की, अगर हमारे पास अगर देखा जाए कंपनी कौन कौन सी है प्राइस में, हमारे पास जी मैक्स मिल जाएगा, प्लाटी मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा। ओके, मतलब ऑलमोस्ट हर एक। ओके, तो मतलब जो भी एक मार्केट में इस समय जो कंपनीज चल रही हैं, चल रही है वो हमारे पास अवेलेबल। अगर कोई बंदा डिफरेंट अलॉय व्हील्स की डिमांड करता है तो आप ऑन डिमांड प्रोवाइड करोगे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये साइज कौन सा? 16 इंच का साइज है। तो ये कुछ एक डिस्प्ले वाला आप स्टॉक देख सकते हो। इसके अलावा और भी डिजाइन वगैरह आते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ये सारा 16 इंच अलग अलग। तो ये बताओ यार, मुझे ये वाला जो डिजाइन है काफी बढ़िया लगा, इसका क्या मतलब प्राइस है 4 सेट का? सर, प्राइस इसका आपको मिल जाएगा कोई 27,500। तो अगर कोई ये ऐसा जम्मू ब्लॉक के रेफरेंस से आता तो उसे नेगोशिएट होगा उसमें, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी चीज आप देख सकते हो। तो ये था कुछ 16 इंच साइज, ये सारे 16 की है और ये 17 इंच। किसी को स्कॉर्पियो वगैरह में डलवाने हो तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हो। और काफी बढ़िया डिजाइन जो है यहाँ पे लग रहा है, अलग अलग कंपनीज के जो अलॉयज है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के। चलिए अब चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे भी आपको नीचे में कुछ स्टॉक मिल जाएगा। तो ये सारा 14 इंच का, तो मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा भाई एक बार अच्छे से फोकस कर दे यहाँ पे। तो मैक्सिमम यहाँ पे प्लाटी के है। दूसरा कौन सा ब्रांड है ये? मतलब इन 14 इंच में जो ब्रांड हमें सबसे सस्ता रहेगा वो इंकुबस। तो अगर वही, अगर जैसे ये 18,000 कस्टमर के बजट के ऊपर, अगर कस्टमर के पास बजट कम है, कस्टमर चाहता है कि मुझे लो बजट में चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये रिलायबल है बिल्कुल। तो आपकी तरफ से कुछ रहता है गारंटी वारंटी वगैरह कुछ रहता है? एक साल की कलर की गारंटी रहती है। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे आप हम इंक्यूबस का ये 4 अलॉय ले रहे हैं, तो ये हमें कितने के पड़ेंगे? 18, ये आपको 18,800 का पड़ेगा। 18,800 का 14 इंच। अगर इसी में हम प्लाटी या जी मैक्स में जाते हैं सर, वो 20,000 वो 20 प्लस हो जाएगा, मतलब फर्क पड़ेगा प्राइस में। चलो ये भी चीज है, बड़े सारे क्या होता है लोगों को कंफ्यूजन रहती है इस चीज में प्राइस को लेकर, तो ये भी चीज देख सकते हो। बाकी जो भी नेगोशिएबल होगा हम कर लेंगे, चाहे नेगोशिएशन हो जाएगा। अगर कोई एएसआर जम्मू ब्लॉक के रेफरेंस से आएगा तो उससे तो और बेहतर से नेगोशिएशन हो जाएगा। अब ये वाले अलॉय व्हील्स की बात कर लेते हैं, ये 17 इंच है और ये भी 17 इंच है। सो यहाँ पे डायमंड कट और मशीन कट अलॉय व्हील्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे।
तो मतलब वैरायटी तो आपके पास भर भर के है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे वाली, ये कौन सा साइज है? ये 15 इंचेस का है ना। मैक्सिमम आप जैसे मार्केट में हो अभी, तो मैक्सिमम कौन से साइज के अलॉय व्हील्स निकलते हैं? 16, 15, 16, 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 16
जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ आप ये सारे 15 इंचेस के बाद सारे, ठीक है, सारे 15 इंचेस का। और यहाँ पे आप कुछ नीचे स्टॉक 18 इंचेस आ गए, ठीक है, ये 18 इंचेस है, ठीक है, ये भी 17 इंचेस आ गए। ओके, तो आप बढ़ते छोटे सेगमेंट की तरफ, 13 इंचेस। अगर किसी को अपने मारुति 800 अल्टो 800 या अल्टो K10 के लिए कुछ वैगनर के लिए सॉरी 13 इंचेस या 12 इंचेस तक को जो अलॉय व्हील्स लेना चाहते हैं, अच्छा मारुति वगैरह के लिए ये है 12 इंचेस या अल्टो 800 के लिए, और ये 13 इंचेस है, तो ये भी चीज़ आप दे सकते हो, ये भी 13 है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब अलॉय व्हील्स की काफ़ी वैराइटीज जो है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये तो चलो चीज़ ठीक है। अब जैसे कई बार क्या करता है, लोग अपनी गाड़ी के रिम चेंज करवाते हैं, अलॉय चेंज, तो उनको टायर्स की भी ज़रूरत रहती है, तो टायर्स में आप किन किन ब्रांड्स में डील कर रहे हैं पहले ये बता सर। टायर्स में हम डील कर रहे हैं 5-6 कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जेके के साथ भी कर रहे हैं, ओके, सीएट का भी मिल जाएगा, गुडियर मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है ना, अपोलो मिल जाएगा, एमआर चाहिए तो वो मिल जाएगा, तो अगर कॉन्टिनेंटल भी मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल मिचल में मिल जाएगा। अब क्या होता है कुछ लोग लुक के चक्कर में ना चाइनीज टायर की डिमांड करते हैं, चाइनीज भी अवेलेबल मिल जाएगा, वो मिल जाएगा जी बिल्कुल, तो ये भी चीज आप देख सकते हो यहाँ पे चाइनीज टायर भी, अगर किसी को लुक के चक्कर में कोई टायर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लोगों को चाहिए थे वी शेप ग्रिप में चाहिए होती है, हमारे पास अवेलेबल है सर, तो ये चीज आप देख सकते हो। बाकी एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कभी विजिट करते हो किसी अलॉय वगैरह डलवाते हो, तो अगर ब्रेक कैलिपर वगैरह को भी पेंट करवाना हो तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है ना, तो ये भी चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। सिंगल विंडो सॉल्यूशन है जेडी व्हील्स, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। और सर आप एड्रेस बता दीजिए पहले। सर एड्रेस देखो, कोई अगर बेमौल वाली साइड से आ रहा है, ठीक है, तो जैसे आप पहुँचोगे स्टेडियम मोड़ जहाँ पे जमकाश का शोरूम है, जी जी, उसके थोड़ी आप आगे आएंगे सैनिक कॉलोनी सेक्टर सी, ठीक, चौधरी मोड़ के ऊपर ही हमारा सिग्नेचर टावर। तो जो अगर लोग जम्मू से है ना तो उनको पता होगा जहाँ पे पहले निसान का शोरूम था, पहले निसान का शोरूम यहीं पे था, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो एड्रेस तो हर भैया ने बता ही दिया। बाकी अगर यार आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर जम्मू से आप ये वीडियो को देख रहे हो ना तो एक बार जरूर विजिट करना, ताकि ऐसा जम्मू ब्लॉग का रेफरेंस दे देना, अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू गाड़ी के साथ।